हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आप सबको मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एंड वीडियो काफ़ी लेट हो गई है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बहुत सारे काम चल रहे थे, एग्ज़ाम ये वो, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पा रही थी। और फेस्टिव सीजन भी चल रहा था, सो इधर उधर जाना आना में शूट नहीं हो पा रहा था। बट आज बहुत टाइम निकाल के मैं आई हूँ शूट करने। बहुत टाइम हो गए हैं, कुछ भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, तो सो सॉरी फॉर दैट। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ फियामास बॉडी वॉश, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। एंड फियामा के बॉडी वॉश के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। उसका जो ऑरेंज का वेरियंट आता है, ऑरेंज कलर के बोतल में आता है, तो उसका मैं वीडियो बना चुकी हूँ। और ये उसका दूसरा फ्लेवर है इसका। और एक ग्रीन कलर के बॉटल पे भी आता है, उसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया। और चलिए जल्दी से बात करते हैं इसके ऊपर। एंड दिस इज़ फियामास सावर जेल, ब्लैक करंट एंड बियर बेरी। दिस इज़ रेडियंट ग्लो विथ स्किन कंडीशनर। तो ये पहले बात करते हैं इसका पैकेजिंग के ऊपर। पैकेजिंग तो इसका काफ़ी अच्छा है, इसके साथ एक लुफा भी फ्री मिलता है। और इसका पैकेजिंग काफ़ी अच्छा है, और इसका जो साइज है वो भी काफ़ी, मतलब कि आप ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसके साथ कहीं भी जा सकते हो। बहुत ही छोटू सा पैकेट है। एंड तो अब बात करते हैं कि मैं इसे कहाँ से लाई थी। आप इसे लोकल स्टोर से ला सकते हो, ऑनलाइन ला सकते हो। मैं यूजली इसे लोकल स्टोर से ही लाती हूँ हमेशा। और इसका अगर मैं प्राइस एंड क्वांटिटी की बात करूँ, तो ये इसका प्राइस है 55 रुपीज़, और इसका क्वांटिटी है 100 ml। तो ये आपको 55 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे 100 ml के लिए। और अभी बात करते हैं कि मुझे कैसा लगा। तो एज़ यू कैन सी, ये बिल्कुल लाइट पर्पल कलर में दिख रहा है। और इसका जो मैं जो ऑरेंज कलर की जो आता था ना बॉटल पे, उसका जो रिव्यू बनाई थी, उसका फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छा है, मतलब इससे बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसका फ्रेग्रेंस ऐसे नहीं कि ख़राब है, लेकिन अच्छा है, लेकिन उसके हिसाब से चलेगा, गुड। इसको लगाने में अच्छा लगता है उससे कंपेयर टू दैट बॉटल। तो ये मुझे काफ़ी पसंद है, इसका फ्रेग्रेंस चलेगा, बहुत पसंद है। मैं मतलब फियामा का बॉडी वॉश ही यूज़ करती हूँ। एंड मैं आपको दिखाती हूँ, पहले भी काफ़ी सारा बॉटल थे मेरे पास, अभी देखो ये कितनी सारी बॉटल है। और इसी फ्लेवर का ही है, मैं इसको यूज़ करती हूँ। और ये तीनों ख़त्म हो गए हैं, एंड ये अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। और ये ख़त्म होने के बाद भी मैं इसकी ही, यही फ्लेवर की ही लाऊंगी। और ये काफ़ी चल जाता है, 1 मंथ एंड हाफ चल जाता है काफ़ी आराम से। तो मुझे ऑरेंज वाला से ये ज़्यादा अच्छा है, उसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है, लेकिन इसका काम मुझे अच्छा लगता है। इसको अप्लाई करने के बाद तुरंत आपको मॉइस्चराइजर यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो। प्राइस भी अफोर्डेबल है, तो आप जरूर एक बार ट्राई कर सकते हो। इसका एक ग्रीन वेरिएंट भी आता है, तो मैं सोच रही थी कि इसको ख़त्म करने के बाद मैं उसको ट्राई करूं एंड आपको बताऊं कि कैसे लगा। तो वो तो बाकी बात है, बाकी ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका फ्रेग्रेंस ओके गुड है, मतलब ख़राब नहीं है, अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं उसको इस्तेमाल की हूँ, तो मुझे उसका फ्रेग्रेंस मैं जानी हूँ, मुझे पता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन काम के वाइज देखो तो ये बहुत अच्छा है। तो आप चाहते हो तो एक बार ट्राई कर लो, अफोर्डेबल है, एक बार ट्राई कर लेना क्या जाता है। और ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।